एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने वहाँ पे कहीं कोई तो भी होटल बुक किया था, अतुल करके कुछ था, बट उस लोगों ने डोर ही ओपन नहीं किया जब हम पहुँचे तब. तो हम थोड़ा आगे आए और हमको ये होटल मिला. काफ़ी ही अच्छा व्यू है और बारिश का टाइम तो बहुत अच्छा लगता होगा. देखिए वो वाटरफॉल. और ये हैं देव भैया, बहुत हेल्प किया इन्होंने, ये ऑलमोस्ट आधी रात तक जागे हमारे लिए. थैंक यू सो मच भैया. वेलकम. हाँ तो गाइस टाइम हो गया 10:30 और अभी हम सब लोग निकल रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए. पंडित जी, आदि भैया जो कि फ़ोन पे बिजी हैं, यासिर मुश्तवा जी, मोटोजूमर और पुष्पेंद्र, ये लोग जा रहे हैं दिल्ली. यासिर दिल्ली में स्टे करने वाला है, देन ये लोग भोपाल कंटिन्यू करेंगे थोड़ा रेस्ट करके. और मैं और मयंक भाई जा रहे हैं मनाली, बाद फिर हम लोग कसोल, कसोल के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद भोपाल. तो बस यही क्विक अपडेट है अभी तो प्लान का. ये सडनली कुछ थोड़ा चेंज हुआ है एक आध दिन में. और लद्दाख क्या, मयंक भाई लद्दाख का ही बोल रहे हैं, तो लद्दाख अभी है नहीं ऐसा कुछ, बट देखेंगे हुआ तो समझते हैं. तो सब निकल गए हैं उधर पीछे की साइड और हम लोग निकले हैं इधर, क्योंकि हम लोगों को जाना है मनाली. तो लगभग 500-600 मीटर बाद एक टर्न है, अभी हम सांझ में रुके हुए थे और उस टर्न से हम लोग मनाली के लिए कट जाएंगे. सालों ने गेट भी नहीं खोला. रोड अभी ब्लॉक हो पड़ा है क्योंकि फंस गई है गाड़ी. यार ये 20 वाले निकाल क्यों नहीं लेता. हुआ क्या वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े गिद्ध बैठे हुए थे, कैमरा ऑफ था और एक गिद्ध सडनली सामने से निकला और हमारी फट गई. बहुत बड़ा है, मैंने इतना बड़ा गिद्ध कभी नहीं देखा. बहुत बड़ा था यार वो, अभी उड़ के निकला एकदम सामने से. अभी हमें झिल्लोरी पास और पीछे से जब हम आ रहे थे हमें बहुत बड़े बड़े गिद्ध दिखे और एक तो एकदम मयंक, बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा, वो गाड़ी के बराबर था ऑलमोस्ट एक, और वो मयंक भाई की गाड़ी के जस्ट सामने से उड़ के गया. और सेम कैमरा ऑफ था तो हम थोड़ा आगे आके रुके, 2 मिनट सांस लिया, उसके बाद फिर मैं वापस गया कैमरा ऑन करके उनको शूट किया. देन एक मेरी गाड़ी के ऊपर से भी निकल गया, बहुत बहुत ही बड़ा था. बस अभी रुके हुए हैं यहाँ पे 2-5 मिनट, निकलते हैं फिर यहाँ से आगे. मनाली बचा हुआ है अभी 100 किलोमीटर और ETA जो आ रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू गूगल मैप वो आ रहा है लगभग लगभग 4:30 बजे के आसपास का, 4:30-5 बजे के आसपास का, 3-3.5 घंटे लगेंगे ऐसा गूगल मैप बता रहा है. लेट सी कितना टाइम और बचता है, तब तक हम लोग मनाली पहुँच पाते हैं. उधर आप माउंटेन्स पर देखिए, माउंटेन पर पूरे ट्री लगे हुए हैं, पाइन ट्री, और पूरा माउंटेन कवर है, मतलब आप कुछ देख ही नहीं सकते माउंटेन पर ट्री के अलावा, इतना भयंकर है. हुआ क्या है कि मयंक बाइक की बाइक के रेयर ब्रेक आना हमें बंद, क्योंकि ऑयल हीटअप हो जाता है और कैलिपर कुछ इशू करता है ऐसा कुछ मैकेनिक ने बताया है, तो प्रॉब्लम आ जाती है. और यही सेम प्रॉब्लम हुई नेपाल राइड पर, यासिर की बाइक में जो वो रॉयल इनफील्ड चला रहा था उस
के भी ब्रेक्स में ऐसे कुछ इशू आई था, तो हमने दिखाया तो मैकेनिक ने फटाक से पहले तो मास्टर सिलेंडर चेंज करके चूना लगा दिया। ब्यूटीफुल यार पार्वती वैली सीरियसली मुझे अभी तक की ये पूरी राइड की सबसे अच्छी वैली लगी है। लिटरली मतलब मज़ा ही आ गया देखते हैं। ओके अरे बहुत ज़्यादा गर्म है केल पर, ये प्रॉब्लम होती है। हेलो सिलेंडर चेंज करना उसमें उस पेडल के देखे गर्म तो रहती है। ओके मेरा कैलिपर ऊपर गर्म नहीं है, उसका कैलिपर भी गर्म हो गया है। उसका कैलिपर ऊपर गर्म हो जाता है इसलिए ब्रेक फ्लूइड ठीक से सप्लाई नहीं करता होगा ना। तो अभी हम आ गए हैं एक विलेज जिसका नाम है बंजार, काफ़ी रौनक है, अच्छी जगह थी, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो हिमाचल की खूबसूरती तो अलग अलग बात है। टनल से जाना है पॉल्यूशन है टनल में, भयंकर पॉल्यूशन है भाई, पर अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा।
सनग्लासेस मिल गए, उठा लिए। तो मनाली पहुंचने वाले हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पूरा जाम लगा हुआ है सब जगह। पहले ठीक इतना लंबा जाम नहीं है, जैसे हर थोड़ी थोड़ी देर में जाम लगता है, क्योंकि एक साइड से अपडेट ये है कि हम लोग हैं अभी मनाली में, होटल लेके स्टे किया हुआ है। कल देखिए रोहतांग पास जाएंगे, क्या होता है देखते, परमिट मिल पाता है या नहीं अभी। उसके अलावा मयंक भाई को करवाने हैं अपनी हिमालयन का रेयर व्हील टायर चेंज, जो कि हो नहीं पाया अभी तक, होपफुली कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। और अभी देखो भाई रेडी नहीं होते यार, मैं बोल रहा हूँ भूख लग रही है भाई, चलो खाना खाने, तैयार ही नहीं होते भाई अपने, झूठ कहाँ भाई। तो अभी जा रहे हैं हम लोग डिनर करने, डिनर करते हैं देन बताते हैं, मिलते हैं। और ये जो पीछे जगह है, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था रात को, अच्छी जगह है, डिसेंट प्राइस है और बढ़िया है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। रात को हम लोग मनाली गए लेकिन ज़्यादा घूम नहीं पाए, इसलिए ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे। तो भाई सीन ये हुआ है कि रोहतांग का परमिट आज तो नहीं मिल सकता, आज फॉर्म मैं फिल करता था कल के लिए मिलता रोहतांग का परमिट। और तो मयंक भाई और मैंने डिसाइड किया कि हम लेह तक का परमिट ले लेते हैं और लेह लद्दाख भी कराते हैं साथ में, बट अभी हम लोगों ने डेज वगैरह सब कैलकुलेट किए तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है। एक्चुअली मुझे 18th तक एनी हाउ भोपाल पहुँचना है, आज है 14th, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा वापस 18th तक भोपाल पहुँचना, इसलिए हम लोगों ने अभी ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। देखिए अब नेक्स्ट टाइम पूरा मनाली से लेह लद्दाख करेंगे, क्योंकि ये पूरा सर्किट रह गया है, ये रूट पूरा रह गया है। मयंक भाई आगे हैं शॉप पर, उनकी गाड़ी में हो रहा है टायर चेंज, तो टायर चेंज हो जाए देन हम लोग कसोल के लिए निकलते हैं और वहीं आज स्टे करेंगे, कल निकल जाएंगे। तो मयंक भाई की गाड़ी का टायर डल गया है और सारा प्लान हो गया है, अब हम निकल रहे हैं। लिटरली मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे अच्छा चॉकलेट केक कहीं नहीं खाया, लिटरली लिटरली आई लव दिस केक।